ओके, सो आज हम करने वाले हैं लिटरेरी टर्म्स और ये है थर्ड वीडियो। ए बी सी के सारे वर्ड्स हो चुके हैं, आज हम करेंगे डी, कल हम करेंगे ई, कल की बातें बाद में, पहले डी कंप्लीट करते हैं। सो डी से जो पहला वर्ड है वो है डैक्टाइल, ये भी मीटर में आता है। डैक्टाइल इज अ थ्री सिलेबल ना थ्री सिलेबल मेट्रिकल थ्री सिलेबल मेट्रिकल पैटर्न इन पोएट्री इन विच अ स्ट्रेस सिलेबल इज फॉलोड बाई टू अनस्ट्रेस सिलेबल। तो देखिए क्या है, तीन सिलेबल है यूजुअली, आपको ये तो पता ही है कि आई एम जो होता है वो उसमें दो सिलेबल होते हैं, पहला अनस्ट्रेस होता है फिर स्ट्रेस होता है, ये वैसा ही है, इसमें तीन सिलेबल है, तीन सिलेबल है जिसमें इज फॉलोड बाय, है ना, पहला वाला जो है वो है स्ट्रेस्ड, फिर जो आने वाले दो है वो है अनस्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड, है ना। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल पोएट्री, पोएट्री तीन सिलेबल का होता है, पहला पो पो तो ये स्ट्रेस्ड है, फिर ई जो पोए है ना वो वाला वो अनस्ट्रेस्ड है, और फिर लास्ट में ट्री पोएट्री, सो ट्री इज अगेन अनस्ट्रेस्ड। तो यहाँ पे पहला वाला जो है वो स्ट्रेस्ड है, दूसरा वाला अनस्ट्रेस्ड है, तीसरा वाला अगेन अनस्ट्रेस्ड है, ऐसा तीन सिलेबल का अगर पैटर्न होगा स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड तो इसे हम कहेंगे डैक्टाइल। पुराने टाइम में हमें काफ़ी डैक्टाइल देखने को मिलते थे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है डिनोटेशन। एक कोनोटेशन होता है आपको पता ही है, और दूसरा है डिनोटेशन। डिनोटेशन होता है डिक्शनरी मीनिंग, है ना, डिक्शनरी में जो मीनिंग लिखा होता है एक वर्ड का, दैट इज डिनोटेशन। सो डिनोटेशन इज द लिटरल मीनिंग और डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड। कोनोटेशन क्या होता है कि वो पर्टिकुलर वर्ड पढ़ के आपके मन के अंदर क्या क्या फीलिंग्स आ रही है, क्या क्या इमोशंस जग रहे हैं, दैट इज कोनोटेशन। लेकिन डिनोटेशन क्या है, डिनोटेशन इज द डिक्शनरी मीनिंग, ठीक है ना। डिनोटेशन इज डिफाइंड इन कॉन्ट्रास्ट टू कोनोटेशन विच इज एन एरे ऑफ इमोशंस एंड आइडियाज सजेस्टेड बाई अ वर्ड इन एडिशन टू इट्स डिक्शनरी डेफिनेशन, है ना। एक वर्ड को सुन के डिक्शनरी का जिसका डेफिनेशन है उसके अलावा आपके मन में क्या क्या फीलिंग्स आती हैं उसे हम कहते हैं कोनोटेशन। बट देन वो जो डिक्शनरी डेफिनेशन है दैट इज नोन एज डिनोटेशन, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, द वर्ड हाउस एंड होम फॉर एग्जाम्पल हैव द सेम डिनोटेशन। दोनों का जो डेनोटेशन है डेफिनेशन डिक्शनरी डेफिनेशन है वो सेम है ना, दोनों का मतलब है एक बिल्डिंग जिसके अंदर लोग रहते हैं, एक बिल्डिंग जिसके अंदर पीपल रहते हैं। लेकिन हाउस और होम में कोनोटेशन का डिफरेंस है, क्या है, हाउस सुन के आपको लगता है ओके जस्ट एक बिल्डिंग एक ढांचा है ना, लेकिन होम जहाँ पे हमारे लाइक डियर नियर एंड डियर पीपल रहते हैं ना, जहाँ पे हमारे बहुत ही प्यारे लोग रहते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं उसे हम होम कहते हैं ना, जिसके अंदर वार्मथ है जिसके अंदर फैमिली है। सो वो फैमिली तो द होम बोलते ही जो कोनोटेशन माइंड में आता है वो है फैमिली, है ना, नियर एंड डियर पीपल, मे बी वाइफ मे बी पेरेंट्स मे बी यू नो ब्रदर। लेकिन इसका जो डिनोटेशन है डेफिनेशन है जो डिक्शनरी में वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, हाउस का भी और होम का भी कोनोटेशन में डिफरेंस है। तो ये रहा डिनोटेशन। नेक्स्ट वर्ड आते हैं, नेक्स्ट इज ड्यूस एक्स मशीना। क्या होता है ये एक प्लॉट डिवाइस है। ड्यूस एक्स मशीना इज अ प्लॉट डिवाइस वेयर बाई एन अनसॉल्वेबल, नोटिस कीजिए अनसॉल्वेबल कॉन्फ्लिक्ट और पॉइंट ऑफ टेंशन इज सडनली रिजॉल्व बाई द अनएक्सपेक्टेड अपीयरेंस ऑफ एन इम्प्लॉसिबल कैरेक्टर ऑब्जेक्ट एक्शन एबिलिटी और इवेंट। एक अच्छा एग्जाम्पल है कि इमेजिन कीजिए कि एक पर्टिकुलर पर्सन है जो पूरे मूवी के दौरान सफ़र कर रहा था, पूरे नॉवल के दौरान पूरे ड्रामा के दौरान सफ़र कर रहा था, और सडनली हमें पता चलता है कि अच्छा ये तो एक बड़े वाक्य वाला था, सो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, है ना। इमेजिन कीजिए कि देयर इज दिस वन कैरेक्टर जो कि बचपन से एक गरीब है ना, ऐसा ही एक प्लॉट आई गेस ऑस्कर वाइल्ड का नॉवल है जिसका नाम है अर्नेस्ट वाला, है ना, माय नेम इज अर्नेस्ट ऐसे कुछ नाम था, द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट ऐसे ही कुछ नाम था ना उस नॉवल का। तो उसके अंदर भी ऐसे ही होता है कि एंड तक जो है सारे सब कुछ यू नो हर तरह से हम लोग ट्रबल ही मिलता है, और आखिरी में पता चलता है कि जो बंदा है इसका असली नाम ही अर्नेस्ट है और ये एक बड़ी माँ की औलाद है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और सडनली सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो इस तरह का कुछ है ना कि अगेन इज सडनली एवरी कॉन्फ्लिक्ट एंड पॉइंट ऑफ टेंशन इज सडनली रिजॉल्व्ड बाई द अनएक्सपेक्टेड अपीयरेंस ऑफ एन इम्प्लॉजिबल कैरेक्टर ऑब्जेक्ट एक्शन एबिलिटी या फिर इवेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ अ कैरेक्टर फेल ऑफ अ क्लिफ एंड अ फ्लाइंग रोबोट सडनली अपीयर्ड आउट ऑफ नो वेयर टू कैच देम दैट वुड बी अ ड्यूस एक्स मशीना, बिकॉज कोई उम्मीद नहीं थी, है ना, अनएक्सपेक्टेड था, नोबडी कुड गेस, दैट इज इट। द गोल ऑफ दिस डिवाइस इज टू ब्रिंग अबाउट रेजोल्यूशन, है ना, एंड इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस कॉमेडिक रिलीफ डिसएंटेंगल द प्लॉट और सरप्राइज एन ऑडियंस।
ठीक है. नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट इज डायाकोप. क्या होता है डायाकोप? इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ वर्ड और अ फ्रेज इज रिपीटेड विद अ स्मॉल नंबर ऑफ इंटरवीनिंग वर्ड्स. सो रिपीटेशन तो है, रिपीटेशन है, बार बार आ रहा है, लेकिन बीच में कुछ वर्ड्स भी है, बहुत ही कम वर्ड्स हैं बट है. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट लाइन ऑफ एना कैरेनिना बाय लियो टॉल्स्टॉय का जो ये नॉवल है, वर्क है, एना कैरेनिना, बहुत अच्छा वर्क है, आपको डेफिनेटली इसकी मूवी भी देखनी चाहिए. हाँ, तो इसमें कहते हैं हैप्पी फैमिलीज आर ऑल अलाइक, एवरी अनहैप्पी फैमिली इज अनहैप्पी इन इट्स ओन वे इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायाकोप, बिकॉज रिपीटेशन है, ढेर सारे रिपीटेशन हैं, लेकिन बीच में बहुत सारे वर्ड्स भी हैं जो आ रहे हैं यू नो बीच में. तो रिपीटेशन विद अ फ्यू इंटरवीनिंग वर्ड्स इज नोन एज डायाकोप. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं. नेक्स्ट इज डायलॉग. डायलॉग क्या होता है? सो पता ही आपको ना, डायलॉग और मोनो, देखिए मोनोलॉग जो हम पढ़ते हैं ना, मोनोलॉग, देयर इज अ गुड डिफरेंस बिटवीन मोनोलॉग एंड सोलिलोक्वी, है ना. सो मोनोलॉग जो है उसी का सिंगल, मोनो मतलब एक, डाय मतलब दो, सो लॉग लॉग है ना, लॉग मतलब लैंग्वेज. सो डायलॉग इज एक्सचेंज ऑफ स्पोकन वर्ड्स, मुंह से निकलने वाले वर्ड्स बिटवीन टू और मोर कैरेक्टर्स इन अ बुक, प्ले और अदर रिटन वर्क. इन प्रोज राइटिंग लाइन्स ऑफ डायलॉग आर टिपिकली आइडेंटिफाइड बाई द यूज ऑफ कोटेशन मार्क्स एंड अ डायलॉग टैग, जैसे डबल टक है ना, ये नहीं था टक टक है ना, एंड सच एज यहाँ पे देखिए दे रखा है शी सेड. ठीक है, इन प्लेस लाइन्स ऑफ डायलॉग आर प्रोसीडेड बाय द नेम ऑफ द पर्सन स्पीकिंग. हाँ, बिकॉज यू नो प्लेस के अंदर हम लोगों को बोलना पड़ता है ना कि इस बंदे ने ये बोला है, फिर इस बंदे ने ये बोला है, फिर इस बंदे ने ये बोला है, ब्ला 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 ब्ला. हाँ, सो इन प्लेस द लाइन्स ऑफ डायलॉग आर प्रोसीडेड बाय द नेम्स ऑफ पर्सन स्पीकिंग. Here is a bit of dialogue from Alice Adventures in Wonderland. भूल जाइए इसको, है ना, मतलब इसके बाद जो है कुछ आएगा, छोड़िए भूल जाइए. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है डिक्शन. डिक्शन क्या होता है? डिक्शन इज अ राइटर्स यूनिक स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन. हर एक ऑथर का, हर एक राइटर का डिफरेंट डिफरेंट डिक्शन होगा, है ना. मेरा डिक्शन डिफरेंट होगा, आपके डिक्शन से, है ना. सो डिक्शन इज अ राइटर्स यूनिक स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन. कैसे हम अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं, द वोकैबुलरी वी यूज, एवरीथिंग कम्स इनटू इट, है ना. स्पेशली हिज और हर चॉइस एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, है ना, कि किस तरह से हम अपने वर्ड्स को अरेंज करते हैं, किस तरह से हमारा अंदर के थॉट्स किस तरह से बाहर आते हैं, ठीक है ना. अ राइटर्स वोकैबुलरी, यूज ऑफ लैंग्वेज प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक टोन और एटमोसफियर एंड एबिलिटी टू कम्युनिकेट क्लियरली विद द रीडर एंड आर ऑल एसेंशियल पार्ट्स ऑफ डिक्शन. सो सब कुछ मैटर करता है. क्या क्या मैटर करता है? वोकैबुलरी आपकी, है ना, आपका यूज ऑफ लैंग्वेज, आपका टोन, आपका एटमॉस्फेयर, है ना, आपकी एबिलिटी टू कम्युनिकेट, क्या आप स्टटर करते हैं कि नहीं, है ना, सब कुछ एक एसेंशियल पार्ट है डिक्शन का. आपका स्टाइल दिखाता है ये, है ना. इफ़ अ राइटर फेवर्स स्पेसिफिक वर्ड्स और फ्रेजेस एंड यूजेस देम थ्रू आउट हिज और हर वर्क, बहुत लोग ऐसा करते हैं, बहुत लोग एक पर्टिकुलर वर्ड से बहुत ही अटैच होते हैं और वो ही पर्टिकुलर वर्ड वो बार बार बोलते रहते हैं ना. सो दैट इज देयर. दोज आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ द राइटर्स जनरल डिक्शन. Though a writer might also modify his or her diction to achieve certain effects, such as to create characters of different types and background. So basically, diction का मतलब है आपका style, है ना, writer का अपना unique style. चलिए next word है हमारा irony. लेकिन irony के भी types होते हैं. ये है dramatic irony, ठीक है ना. क्या होता है dramatic irony? Wait a second. Very good. So dramatic irony. Dramatic irony is a plot device hai, often used in theater, literature, film, television to highlight the difference between a character's understanding of a given situation and that of the audience. Ki kaise audience ka view different hai is character ke, na, jo character play kar raha hai. So character's understanding of a given situation and the audience. More specifically, in dramatic irony, the reader or audience has knowledge of some critical piece of information जो कि characters को नहीं पता. Obviously बात है ना, as अगर एक drama हो रहा होगा तो characters जो है वो तो अपने ही tension में है ना, इसको कुछ पता नहीं है, इसको कुछ पता है, ये इससे में भी झूठ बोल रहा है, ये इससे में भी झूठ बोल रहा है, मे बी ये सबसे झूठ बोल रहा है, लेकिन ऐसे audience हमको तो सब दिख रहा है ना, हमारा हमें पता है कि क्या होने वाला है, हमें पता है कि इसको धोखा मिलने वाला है ना, इसका कटने वाला है, लेकिन उनको तो नहीं पता, जो लोग कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उनको नहीं पता है ना, मतलब एज कैरेक्टर्स उनको नहीं पता. सो दैट इज द ड्रामेटिक आयरनी, कि हमको पता है एज एन ऑडियंस, पर तुमको नहीं पता जो कि कैरेक्टर्स है, ठीक है ना. सो
More specifically, in dramatic irony, the reader or audience has knowledge of some critical piece of information, while the character or characters to whom the information pertains are in the dark. Unko pata hi nahi hai. That is, they do not yet themselves have the same knowledge as the audience. Okay? A straightforward example of this would be in any scene from any horror movie, है ना, because horror movie में हमको पता है कि मरने वाला है, हमको पता है कि गलती कर रहा है, लेकिन वो तो फिर भी करे जा रहा है ना. So from a horror film in which the audience might shout, don't go in there, रात का time है, क्यों तू बंगले के अंदर जा रहा है, but वो फिर भी जाता है, फिर भी मरने जाता है. So you know, that is that. Since the character does not suspect anything, but the audience already know कि उनका क्या होने वाला है, भैया horror movie देखने आए हैं, मरने तो वाला ही है. चलिए नेक्स्ट है डायनेमिक कैरेक्टर. क्या होता है डायनेमिक कैरेक्टर? ऑब्वियसली बात है, इसके अंदर सारी हर तरह के इमोशंस होते हैं, ये हर तरह का चेंज एक्सपीरियंस करता है. अ डायनेमिक कैरेक्टर अंडरगोज सब्सटैंशियल इंटरनल चेंजेस, है ना, इसका मन परिवर्तन होता है, इंटरनल चेंजेस होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ वन और मोर प्लॉट डेवलपमेंट्स, है ना, कैथारसिस के थ्रू ये जाता है. ठीक है, द डायनेमिक कैरेक्टर्स चेंज कैन बी एक्सट्रीम और सिडल, ठीक है ना, as long as his or her development is important to the book's plot or themes. For instance, हमारे पास एक character है To Kill a Mockingbird के अंदर, है ना, for instance, at the beginning of To Kill a Mockingbird, the main character जिसका नाम है Scout, है ना, Scout जो कि एक लड़की है, is a young girl who, like most young kids, is generally self-focused, है ना, उसका पूरा ध्यान अपने ऊपर है, दोस्तों के बारे में उतना सोचती नहीं है. ठीक है ना, she is lacking in empathy, है ना, सामने वाला पर्सन मर रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ना, she is not a very empath type of person की वो भी रोए अगर सामने वाला पर्सन रो रहा है तो, है ना, she is not like that, है ना. So she is lacking in empathy as evidenced by her voyeuristic curiosity in her strange neighbor Boo Radley, जो कि इसमें अगेन एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. By the end of the novel, after seeing the impact of poverty, racism and other injustices, she has grown, है ना, उसका इंटरनल चेंज हो गया, she has become a better person, she has become a very thoughtful person and is able to see the world from Boo Radley's point of view. Usually हम लोगों में से जो लोग बहुत ही धमाकेदार होते हैं, जो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग होते हैं, दे आर द पीपल जो सामने वाले के जूते में ना, मतलब सामने वाले के पोजिशन से दुनिया देख सकते हैं ना. वी ऑफन से कि आप डैश हो, आप ये हो, आप वो हो, है ना, बट इफ़ वी ट्राई टू सी वर्ल्ड फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, हम उनको ऐसा नहीं बोलेंगे ना, बिकॉज एवरी वन हैज़ देयर ओन लाइफ, एवरी वन हैज़ देयर डिसीजंस टू टेक, और डिसीजंस हार्ड होते हैं, बट यू नो फिर भी हम लेते हैं. सो जज करने से पहले हमें सामने वाले का पर्सपेक्टिव देखना आना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट है डिनाउमेंट. डिनाउमेंट क्या होता है? डिनाउमेंट इज अ फाइनल सेक्शन ऑफ द स्टोरीज प्लॉट, स्टोरी का जो प्लॉट होता है उसका आखिरी सेक्शन, इन विच लूज एंड टाइड अप, है ना, मैरिज हो जाती है ना, बिछड़े हुए लोग मिल जाते हैं, सो रेजोल्यूशन, है ना, बेसिकली. सो इज अ फाइनल सेक्शन ऑफ द स्टोरीज प्लॉट इन विच द लूज एंड्स आर टाइड अप, लिंगरिंग क्वेश्चंस आर आंसर्ड, अ सेंस ऑफ रेजोल्यूशन इज अचीव्ड. द शॉर्टेस्ट एंड मोस्ट वेल नोन डिनाउमेंट, इट कुड बी सेड इज, एंड दे लिव्ड happily ever after. आपने ये सुना ही होगा, हर मूवी के पीछे ये होता है कि यू नो दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर. तो ये जो है ये मोर ऑफ अ डिनाउमेंट है ना, बिकॉज सब कुछ सेटल हो गया, सब कुछ, कोई अब कॉन्फ्लिक्ट नहीं बाकी है, कोई ना आपके मन के अंदर कोई क्यूरियसिटी नहीं है. ऑब्वियसली पता है, अगर सीक्वल वाली मूवीज आप देखेंगे जिसके अंदर एक मूवी है एंड उसका सीक्वल, यू नो, तो उसमें आपको ये नहीं मिलने वाला, बिकॉज उसके अंदर तो हम आपको एंड में भी जो है कॉन्फ्लिक्ट के साथ छोड़ देते हैं. बट जो सिंगल वाली मूवीज होती है ना, जो एक बार में ही एंड है, उसमें आखिरी में हैप्पी एंडिंग हो जाती है ना. So that is आपका denouement, ठीक है ना. Most stories, however, require a longer concluding section to achieve a sense of resolution. पहले देखते टाइम कितना हुआ है, 30 मिनट्स हुए हैं, सो हम ई भी करने वाले हैं, बिकॉज 30 मिनट का होना चाहिए एटलीस्ट. चलिए नेक्स्ट है आपका ई. ई से पहला वर्ड होता है एलिजी. एलिजी क्या होता है? रोने वाला पना. सो एन एलिजी इज अ पोएम ऑफ सीरियस रिफ्लेक्शन, सीरियस, especially one mourning the loss of someone who died. Usually अगर कोई particular person मर गया जो आपके लिए बहुत important है, then आप elegy लिखते हैं. Elegies are defined by their subject matter and do not have to follow any specific form in terms of meter, rhyme, structure. भैया कोई मरा है, मैं क्यों तुम्हारा writing rhyme follow करूँ, meter follow करूँ, structure follow करूँ, but जो मर्जी है वो फॉलो करूँगा ना. कोई मरा है, मेरे मन से इमोशन निकलने वाला है, आई एम नॉट गोना वरी अबाउट कितने राइम होने चाहिए, कि यू नो राइम होता है कि नहीं होता है, एलर्जी है. सो यू नो मॉर्निंग टेक्स्ट एक्टर से. चलिए
नेक्स्ट है आपका एंड राइम. एंड राइम क्या होता है? अगर राइम एंड में हो रहा हो तो एंड राइम है. एंड राइम रिफर्स टू राइम्स दैट अकर इन द फाइनल वर्ड्स ऑफ द लाइन ऑफ पोएट्री. यूजुअली आपको यही देखने को मिलता है, यूजुअली राइम एंड में ही होता है, दैट इज एंड राइम. ठीक है ना. फॉर इंस्टेंस दिस लाइन lines from Dorothy Parker's poem Interview uses end rhyme. For example, the ladies men admire I have heard would shudder at a wicked word. So heard and word, ये end rhyme है, जो आखिरी में rhyme होता है ना. चलिए next क्या है? Next is end stopped line. You know, नाम से ही आपको पता चल रहा है. An end stopped line is a line of poetry that ends with a some form of punctuation. सच एस कॉमा भी चलेगा, पीरियड भी चलेगा, लेकिन लाइन के एंड में फुल स्टॉप या फिर कॉमा होना चाहिए, एंड होना चाहिए लाइन के एंड में. ठीक है ना. बहुत सारे पोएम में ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे पोएम में मिडिल में होता है, और ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. अगर मिडिल में होता है तो हम क्या बोलते हैं? के शौरा. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल द पोएट सी पी केव कैबफाई यूजेज एंड स्टॉप लाइन्स इन हिज पोएम इथाका व्हेन ही राइट्स इथाका गेव यू मार्वेलस जर्नी फुल स्टॉप लाइन एंड without her you wouldn't have set out full stop line end she has nothing left to give you now full stop line end if a line of poetry contains a complete phrase and it is considered to be end stopped even if it lacks punctuation. dobara sun lijiye. if a line of poetry contains a complete phrase khatam aur idea nahi hai it is considered to be end-lined, end-stopped, even अगर उसके पास एक punctuation mark नहीं है, full stop और comma नहीं है, फिर भी उसे माना जाएगा end-lined, अगर वहाँ पे उसका idea, phrase, complete हो जाता है. चलिए, next है, enjambment. क्या होता है enjambment? Enjambment is the continuation of a sentence or a clause across a line break without any terminating punctuation mark. So, इससे पहले था end-stop line. ये उसी का छोटा भाई है एक तरह से, मतलब छोटा भाई नहीं, सिमिलर कॉन्ट्रास्टिंग पर्सन है. सो दोबारा सुन लीजिए. एंजॉयमेंट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस. पिछले वाले में जो है सेंटेंस एंड हुआ, फुल स्टॉप लग जाता था, इस वाले में ऐसा नहीं होगा. एंजॉयमेंट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस और क्लॉज अक्रॉस अ लाइन ब्रेक विदाउट एनी टर्मिनेटिंग पंक्चुएशन मार्क सच एस कॉमा या पीरियड. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक पोएम पढ़ रहे हैं, उस पोएम के अंदर लाइन एंड हो गया है बट उसके बाद भी कॉमा नहीं लगाया है, सेम आइडिया आगे भी चल रहा है, दैट इज नोन एज एंजैम्पमेंट. ठीक है. एग्जाम्पल देखिए. फॉर एग्जाम्पल द पोएट जॉन डन यूजेस एंजैम्पमेंट इन हिज पोएम गुड मॉरो. बहुत ही अच्छा पोएम है लवर्स के लिए. व्हेन ही कंटिन्यूज द ओपनिंग सेंटेंस अक्रॉस द लाइन ब्रेक बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन, जहाँ पे वो बोलता है आई वॉन्डर बाई माई ट्रूथ What though an I, देखिए लाइन एंड हो गया है लेकिन कॉमा नहीं आया. Did till we loved, were we not ween till then? So basically बोल रहा है कि है ना, जब हम लोग आई wonder, मैं wonder करता हूँ in my truth, what though an I did, कि हम लोग क्या कर रहे थे till we loved, जब तक हम लोग इस अभी ये लोग प्यार में हैं. So जब हम प्यार में नहीं थे पास के टाइम पे, जब हम प्यार में नहीं थे तब हम क्या कर रहे थे? क्या हम तब तक ween नहीं थे, मेच्योर नहीं थे? चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज एन वो ई. हम ये वर्ड पहले भी सुन चुके हैं इस सीरीज के अंदर. ये रहा वो वर्ड एन वो. एन वो इज अ ब्रीफ कंक्लूडिंग स्टैंजा. नोटिस कीजिए, कंक्लूडिंग स्टैंजा एट द एंड ऑफ द पोएम दैट कैन आइदर समराइज द प्रीसीडिंग पोएम और सर्व एज इट्स डेडिकेशन. द एन वो टेंड्स टू फॉलो द सेम मीटर एंड राइम स्कीम एज द बॉडी ऑफ द पोएम. जैसा सब जैसा चला रहा है वही मीटर चलेगा, वही राइम स्कीम चलेगा. बट नेवर द लेस इट रिमेन्स distinct from the rest of the poem, much like an epilogue, है ना? The specific length and rhyme scheme of an envoy depends upon the type of the poem in which they appear. The most popular poetic forms in which envoy appears are ballads and sestinas. दोबारा ऊपर का थोड़ा सुन लीजिए. Envoy is a brief concluding stanza. ये एक concluding stanza है जिसके अंदर पूरा summary है एक तरह से, है ना? At the end of the poem that can either समराइज करता है, समराइज द प्रीसीडिंग पोएम, जो पोएम अब तक चला रहा है उसको समराइज करता है, और सर्व एज इट्स डेडिकेशन. इसे हम कहते हैं एनवोई. चलिए कंक्लूडिंग स्टैंजा आप मन में रखेंगे तो भी चल जाएगा. नेक्स्ट है ई पैनलिप्सिस. ठीक है. ई पैनलिप्सिस क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच इन विच द बिगिनिंग ऑफ अ क्लॉज, बिगिनिंग है ना, बिगिनिंग ऑफ अ क्लॉज और सेंटेंस इज रिपीटेड एट द एंड ऑफ द सेम क्लॉज और सेंटेंस. ठीक है ना. तो ये सेंटेंस है जिससे शुरू हुआ है वही पे एंड होगा. दोबारा सुन लीजिए. अगर एक सेंटेंस शुरू जिससे हुआ है उसी वो सेंटेंस उसी से ही एंड होगा. ठीक है ना. इन विच द बिगिनिंग ऑफ अ क्लॉज और सेंटेंस इज रिपीटेड एट द एंड ऑफ दैट सेम क्लॉज और सेंटेंस
विद वर्ड्स इंटरवीनिंग. ऑब्वियसली बात है बीच में कुछ नए नए वर्ड्स आ जाएंगे. एग्जाम्पल देखिए द सेंटेंस द किंग इज डेड. किंग मर चुका है. द किंग इज डेड ये आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट है. यही रिपीट होगा. द किंग इज डेड. लॉन्ग लिव द किंग इज एन एलिप्सिस ऑफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ ई पैरालेप्सिस. क्यों? क्योंकि द किंग से स्टार्ट हुआ था. द किंग इज डेड. लॉन्ग लिव द किंग. द किंग द किंग है ना, जिससे स्टार्ट हुआ था उससे एंड हुआ है. ये है ई पैरालेप्सिस. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एपिग्राम. एपिग्राम क्या होता है? एपिग्राम इज अ शॉर्ट विटी स्टेटमेंट. दोबारा सुन लीजिए, शॉर्ट है लेकिन विटी स्टेटमेंट है. यूजुअली रिटन इन वर्ड्स दैट कन्वेज अ सिंगल थॉट और ऑब्जर्वेशन. ठीक है, एपिग्राम्स टिपिकली एंड विद अ पंच लाइन और अ सटायरिकल ट्विस्ट है ना. तो बेसिकली सटायरिकल ट्विस्ट, इसका हिंदी वर्ड उतना अच्छा नहीं है. ये एटलीस्ट जो मैं सोच रहा था वो उतना अच्छा नहीं है. नेक्स्ट वो नेक्स्ट इज एपिग्राम. इससे पहले हमारा था एपिग्राम ग्राम. ये है एपिग्राफ. सॉरी एपिग्राफ एंड एपिग्राफ. ग्राफ का मतलब आई गेस राइटिंग होता है ना. सो एपिग्राफ इज अ शॉर्ट कोटेशन. ये कोटेशन है, शॉर्ट कोटेशन. इट्स अ फ्रेज और पोएम दैट इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग, शुरू शुरू में, एट द बिगिनिंग ऑफ अनदर पीस ऑफ राइटिंग टू इनकैप्सुलेट द वर्क्स मेन थीम्स टू सेट द टोन. फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक बहुत बड़ा ऐसे लिखने वाले हैं तो आप शुरू करते हैं कोटेशन से, जो कोटेशन एक तरह से समअप करता है आपके पूरे आइडिया को, है ना, आपके पूरे आइडिया को समअप करता है वो कोटेशन. आप उस कोटेशन को बिल्कुल शुरू में देते हैं. वो कोटेशन पढ़ते ही मुझे पता चल जाने वाला है कि क्या आने वाला है. ठीक है, दैट इज एन एपिग्राफ. फॉर इंस्टेंस एपिग्राफ ऑफ मैरी शेलीज फ्रैंकनस्टाइन इज टेकन फ्रॉम जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, जिसके अंदर टू एंड एस्टैब्लिश द बुक्स मेन थीम. आपने फ्रैंकनस्टाइन पढ़ा हुआ होगा. मैरी शेली का ये वर्क है, मैरी शेली का फ्रैंकनस्टाइन. और फ्रैंकनस्टाइन जो है वो एक मॉन्स्टर बनाता है जो कि नो इवेंचुअली फ्रैंकनस्टाइन के पूरी फैमिली को मार डालता है और एंड में उसे. ठीक है, ओके. सो दैट इज द रिलेशनशिप ऑफ कंटेम्प्ट बिटवीन द क्रिएटर्स एंड देयर क्रिएशंस. डिड आई रिक्वेस्ट द मेकर फ्रॉम माय क्ले to mold me man? Did I solicit thee from darkness to promote me? क्यों? क्योंकि paradise lost के अंदर भी जो Satan है उसे किसने बनाया? उसे बनाया God ने. And he didn't really ask for कि मुझे क्यों बनावा ना, like क्यों बनाया मुझे ना, क्यों मुझ में इतना like evil वो डाला. एक तरह से वो ही question करता है. Similarly, Mary जो Frankenstein का monster है, he also says the same thing to the to his creator Frankenstein कि क्यों बनाया मुझे भैया, इतना भद्दा क्यों बनाया. चलिए, मेरी सोचने गलती है कि मैं इतना भत्ता हूँ. तेरी गलती है, तुम्हारी गलती है, आपकी गलती है. नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट इज एपिस्ट्रॉफी. एपिस्ट्रॉफी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वन और मोर वर्ड्स रिपीट एट द एंड ऑफ सक्सेसिव फ्रेजेस क्लॉजेस और सेंटेंसेस इन विच इन हिज कैटेगरी एड्रेस अब्राहम लिंकन अर्ज द अमेरिकन पीपल टू इंश्योर दैट गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल. बार बार क्या रिपीट हो रहा है? पीपल. ठीक है ना, दोबारा सुनिए. एपिस्ट्रॉफी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वन और मोर वर्ड्स, वन और मोर वर्ड्स रिपीट एट द एंड ऑफ सक्सेसिव फ्रेजेस क्लॉजेस और सेंटेंसेस. और यहाँ पे देखिए, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल शैल नॉट परिश फ्रॉम द अर्थ इज रिपीटेशन ऑफ द पीपल एट द एंड ऑफ ईच क्लॉज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपिस्ट्रॉफी. चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं. नेक्स्ट इज एपिज्यूक्सिस. एपिज्यूक्सिस क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ वर्ड और फ्रेज इज रिपीटेड इन इमीडिएट सक्सेशन. एक के बाद बिल्कुल कोई गैप नहीं है. विद नो इंटरवीनिंग वर्ड्स इन द प्ले हैमलेट, व्हेन हैमलेट रिस्पॉन्ड्स टू अ क्वेश्चन अबाउट व्हाट ही इज रीडिंग बाय वर्ड बाय सेइंग वर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स. दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपिज्यूक्सिस. क्यों? क्योंकि वर्ड्स और फिर कोई इंटरवीनिंग वर्ड नहीं है. अगेन वर्ड्स एंड वर्ड्स है कि उससे पूछा जाता है क्या पढ़ रहे हो, देन ही इज लाइक शब्द 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 है ना, बिकॉज मीनिंग यू नो छोड़ो. आपने अगर हैमलेट पढ़ा तो आपको पता है. एनीवे, नेक्स्ट है इथॉस. इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो मैंने अवेलेबल कर रखा है, बट स्टिल सुन लीजिए. तीन होते हैं, इथॉस, लोगोस, पैथॉस. ये है आपका मोड्स ऑफ पर्सुएशन रिटोरिक के अंदर. तीनों ही इंपॉर्टेंट है. अगर आपको बहुत ही कन्विंसिंग लगना है, अगर आपको बहुत ही अपना आइडिया जो है वो सामने वाले को कन्विंसिंग वे में प्रेजेंट करना है, देन यू नीड लोगोस, पैथोस एंड इथॉस. इथॉस उनमें से जो इथॉस है इसे मैं कहता हूँ एथिक्स, है ना. क्यों बोलता हूँ एथिक्स? बिकॉज इट इज़ द अथॉरिटी, है ना, क्रेडिबिलिटी शो करता है आपका. सो दोबारा सुन लीजिए. इथॉस इज एन आर्ग्यूमेंट दैट अपील्स टू द ऑडियंस बाय एम्फसाइजिंग स्पीकर्स क्रेडिबिलिटी एंड अथॉरिटी. अगर आई एम टॉकिंग अबाउट अ मेडिसिन,
तो आप मेरी क्यों सुनने वाले हो? आई एम प्रोफेसर, आई डो नॉट नो एनीथिंग अबाउट मेडिसिन, बट अगर एक डॉक्टर बोले मेडिसिन के बारे में तो यू विल ब्लाइंड फोल्डेडली आप मान लोगे कि वो क्या बोल रहा है ना, दैट वो सच ही बोल रहा होगा, बिकॉज ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ मोर क्रेडिबल सोर्स कम्पेयर टू मी. अगर मैं एक शराबी हूँ, यू वॉन्ट लिसन टू मी, है ना, आई एम नॉट, बट इफ आई एम, देन आप मेरी बात क्यों सुनने वाले हो? बिकॉज आई डोंट नो नथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर मेडिसिन, है ना, कम्पेयर टू अगर एक डॉक्टर बोलने वाला है, बिकॉज ही इज अ मोर क्रेडिबल सोर्स. सो ये जो क्रेडिबिलिटी है, दिस इज इथॉस. If the speaker has a high ranking position in an or is an expert in his or her field or has had life experience relevant to the particular topic, anything the speaker says or does to ensure that the audience knows about and remembers these qualifications is an example of ethos. Hai na? For example, if I'm talking about English literature, aap meri sunne wale ho, aap doctor ki nahi sunne wale, because what does he know about literature compared to me, because maine is cheez ke upar degree kiya hai. Let's move on. Next is euphony. So, euphony kya hota hai? Euphony is the combining of words that sound pleasant. आपने cacophony सुनी है? इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं. Cacophony का मतलब है pleasant words नहीं है, harsh sounds, है ना, जिसके अंदर explosive consonants repeat होते हैं, for example PTK. लेकिन ये वाला उसका completely opposite है, because euphony is the combination combining of words that sound pleasant together or are easy to pronounce, usually because they contain lots of consonants with soft and muffled sounds. For example, L, M, N, R, है ना, देखिए कितना easily मैं बोल पा रहा हूँ, L, M, N, R, you know, it sound like T, P, K, है ना, नहीं, ठीक है. So, L, M, N, R, instead of consonants with harsh and percussive या फिर explosive sounds, for example, T, P, K. Other factors like rhyme and rhythm can also be used to create euphony. An example of euphony is the end of Shakespeare's famous sonnet 18, which goes, so long as men can breathe or eyes can see, so long lives this and this gives life to thee. Next है आपका exposition. क्या होता है? Exposition is a description or explanation of background information within a work of literature. Exposition का मतलब भी ये होता है, explanation होता है, you know, additional details होता है. So दोबारा सुन लीजिए, exposition is the description or explanation of background information, है ना, जिसकी वजह से आप अपने setting को और अच्छे से समझ पाए. Within a work of literature, exposition can cover characters के चला सकता है कि ये पर्सन कैसा है, ये पर्सन कैसा है, ये पर्सन कैसा है. फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर कैंटरबरी टेल्स पढ़ा है तो उसके अंदर शुरू में दर्ज अ प्रोलॉग के अंदर कैरेक्टर्स का चित्र रखा था. सो दैट इज एक्सपोजिशन. एक्सपोजिशन कैन कवर कैरेक्टर्स एंड द रिलेशनशिप टू वन अनदर, द सेटिंग और टाइम, द प्लेस ऑफ इवेंट्स, एज वेल एज एनी रेलिवेंट आइडियाज, डिटेल्स और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, जो आपको हेल्प करने वाला है एक स्टोरी को और बेटर समझने में. नेक्स्ट है एक्सटेंडेड मेटाफर, जिसको हम लोग कंसीट भी कहते हैं. Extended metaphor क्या होता है? An extended metaphor is a metaphor that unfolds across multiple lines or even paragraphs of a text, making use of multiple interrelated metaphors within an overarching one. So usually जब हम metaphors देखते हैं, we can see कि एक line के अंदर metaphor खत्म हो जाता है ना, we can see कि एक line के अंदर ही वो comparison, metaphor वाला comparison खत्म हो जाता है. But कुछ metaphors बहुत बड़े होते हैं, सो एक पूरा का पूरा टेक्स्ट लगता है उनको कंप्लीट करने में. दोज आर नोन एज एक्सटेंडेड metaphor, क्योंकि उनको बड़े metaphor है बेसिकली, है ना, एक लाइन में आपको समझ में नहीं आने वाला. सो वाइल लाइफ इज अ हाईवे, तो देखिए यहाँ पे एक अच्छा एग्जाम्पल है. लाइफ इज अ हाईवे इज अ सिंपल metaphor, क्योंकि आपको पता है कि लाइफ को कंपेयर किया जा रहा है हाईवे से, है ना. Is a simple metaphor. It becomes an extended metaphor when you say life is a highway that takes us through green pastures, vast valleys, rocky mountains. Sometimes your car breaks down and you run out of gas, and sometimes you get lost. Friends are the roadmaps and help you get where you are going. Now you have spread the idea of life, जो कि highway है, across multiple sentences and related ideas and created an extended metaphor. देखिए हुआ क्या? आप इसको एक लाइन में बोल सकते हैं कि लाइफ इज़ अ लाइक अ हाईवे, बट आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कैसे लाइफ एक हाईवे है, क्योंकि आपके लाइफ में जो है ऊंच नीच वाला टर्न आता रहता है, अच्छा टाइम बुरा टाइम आता रहता है, जो इन्होंने रिप्रेजेंट किया है बाय सेइंग ग्रीन पास्चर्स, वास्ट वैलीज, रॉकी माउंटेन्स, है ना. तो हर तरह का लाइफ अपना आपने
लाइफ के अंदर, आपके पूरे लाइफ के अंदर आपने हर तरह का टाइम देखा है. फॉर एग्जाम्पल ग्रीन पैस्चर्स मतलब अच्छा टाइम है ना, वास्ट डिजर्ट मतलब बहुत बुरा टाइम है ना, लंबे टाइम तो कुछ नहीं होना है ना, रॉकी हम माउंटेन मतलब शेकी शेकी टाइम है ना, जहाँ पे आप यू नो बहुत ही मतलब कंपटीशन एक्सपीरियंस कर रहे एक तरह से ना, शेकीनेस एक्सपीरियंस कर रहे, कोई स्टेबिलिटी नहीं है. समटाइम्स योर कार ब्रेक डाउन मतलब कभी कभी आपका आप थक जाते हो क्या जिंदगी है अच्छा. समटाइम्स योर कार ब्रेक डाउन एंड रन और यू रन आउट ऑफ गैस और या फिर आप में हिम्मत नहीं होती है लाइक यार मैं कुछ करने का मन नहीं कर रहा. एंड समटाइम्स यू गेट लॉस्ट, कभी कभी आप यू नो दिशाहारा हो जाते हो ना, होपलेस हो जाते हो कि मर जाऊँगा इसे. चलो फ्रेंड्स आर रोड मैप्स दैट हेल्प यू गेट वेयर यू आर गोइंग, और आपके दोस्त वो लोग हैं जो आपको हेल्प करते हैं. जैसे आपको एक रोड मैप हेल्प करता है ना, आप खो गए हो, रोड मैप आपको हेल्प करता है कि अच्छा आप यहाँ पे हो ना, यू कैन नाउ फिगर आउट कि आपको कहाँ जाना है. सिमिलरली फ्रेंड्स आपको लाइफ में हेल्प करते हैं, सो दे आर रोड मैप्स है ना. और इस तरह से लाइफ इज अ हाईवे को आपने बहुत ही एक्सटेंडेड वे में समझा है, ठीक है, इसे हम कहते हैं एक्सटेंडेड मेटाफर. चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, और ये हमारा आज का लास्ट है आई थिंक, लेट मी चेक एक मिनट, हाँ ये हमारा आज का लास्ट है. इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट. क्या होता है एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट? एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट इज अ प्रॉब्लम एंटेगनिज्म और स्ट्रगल दैट टेक्स प्लेस बिटवीन अ कैरेक्टर एंड आउटसाइड फोर्स. बाहर का फोर्स इंटरनल नहीं है. इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट मन के अंदर होता है, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट बाहर होता है. बाहर वाले प्रॉब्लम को आप फोर्स से संभाल सकते हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को आप फोर्स से नहीं संभाल सकते, ठीक है ना. एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट ड्राइव्स एन एक्शन ऑफ अ प्लॉट फॉरवर्ड, इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है ना. चलिए फॉर एग्जांपल अमलेशपुरी एक एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन हैमलेट के अंदर जो मन के अंदर जो यू नो चल रहा है दैट इज एन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट. चलिए आई होप कि यू गेट द पॉइंट है ना. सो हमारा ई भी कंप्लीट हो गया है, ए बी सी डी, डी और ई कंप्लीट हो गया है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगली बार मिलते हैं एफ और उसके बाद वाले टर्म्स, लिटरेरी टर्म्स के साथ. टाटा.